नमस्कार दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की और एक और डेली और वीकली एनालिसिस में स्वागत है आपका अब देख लेते हैं कि कैसे 6 नवंबर से लेकर के अपना नेक्स्ट वीक जो है इसमें मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्मेंस दे सकता है किस साइड हमको ट्रेड मिल सकता है तो देखिए हमको जो है निफ्टी की क्लोजिंग मिली है उन्नीस हज़ार की क्लोजिंग मिली है और अगर अब देखेंगे तो ये जो है जो कंटिन्यूसली जो डाउन ट्रेंड था मार्केट का ये और यहाँ से लेकर के कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था उसको एक तरीके से जो है पॉज मिला है लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट का तो अभी भी जो है इसका रेजिस्टेंस बाकी है निफ्टी के लिए अभी रेजिस्टेंस है उन्नीस हज़ार चार सौ और उसके ऊपर जो है उन्नीस हज़ार पाँच सौ जब तक इस बैरियर को तोड़ करके आगे नहीं बढ़ता है निफ्टी तब तक हम जो है इसमें बुलिसनेस जो है नहीं मान सकते हैं अगर इस चार उन्नीस हज़ार चार सौ और उन्नीस हज़ार पाँच सौ को तोड़ देता है तो हमको जो टारगेट उन्नीस हज़ार आठ सौ का मिलेगा अगला टारगेट और उसके बाद जो है हमको बीस हज़ार का भी टारगेट मिल सकता है लेकिन उसके लिए पहले उन्नीस हज़ार पाँच सौ को तोड़ना पड़ेगा जो कि इसका जो है पुट कॉल रेशियो और साथ ही साथ चार्ट का जो इंडिकेटर बता रहा है जो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके इसके अकॉर्डिंगली जो है मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है फिर से जो है थोड़ा सा साइडवे होकर के ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा और अगर नीचे आता है तो हमको जो है इस मंथ एंडिंग तक 18,800 का भी टारगेट हमको मिल सकता है निफ्टी में डाउन साइड में और डाउन साइड जो है पोटेंशियल जो है मार्केट का अभी भी ज़्यादा है क्योंकि ऊपर अप साइड में जो है हमको बहुत सारे जो है रेजिस्टेंस है और नीचे जो है सपोर्ट अभी कम है रेजिस्टेंस ज़्यादा है और यही कंडीशन हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मिल सकता है हमको ट्रेड तो बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे हम तो बैंक निफ्टी में बहुत स्मॉल बहुत ही स्मॉल स्मॉल जो है डोजी टाइप की कैंडल जो है बने हालांकि मार्केट जो डाउन हो रहा था उसको जो है एक तरीके से जो एक लगाम लगी है वो कैप्साइज हुआ है कि मार्केट जो है कंटीनशल जो डाउन हो रहा था वो रुका है लेकिन जो अप साइड जो था वो पोटेंशियल चाहे अप साइड जो मूवमेंट था मार्केट का वो अभी भी इंटेक्ट नहीं है क्यों क्योंकि जो है मार्केट जो है मूव तो कर रहा है लेकिन किस तरीके से मूव कर रहा है बहुत एक स्मॉल रेंज में मूव कर रहा है अब आप ये देखिए कि तीन दिन तक मार्केट जो है ऊपर गया है लेकिन बहुत ही स्मॉल एक रेंज में ब्रेक किया है तो ये जो दिखा रहा है कि बायर्स जो है मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है अभी भी जो है मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट अगर ओपन होकर के तिरालीस के पास जाएगा और वहाँ से फिर से एक रिवर्सल लेगा तो यहाँ पर एक एम पैटर्न दिख रहा है मुझे ये मार्केट ऊपर जाएगा फिर यहाँ से ये यह नीचे आया ऊपर गया फिर ये ये एक एम पैटर्न बनने टाइप को मुझे दिख रहा है और अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कम से कम जो है तिरालीस हज़ार पाँच सौ तिरालीस हज़ार छः सौ के बैरियर को अगर तोड़ेगा तब जा करके हमको चौवालीस हज़ार का टारगेट मिलेगा और नीचे आने के लिए देखिए ऊपर जाने के लिए अगर मार्केट को यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया है तो ऊपर जाने के लिए एक ये रेजिस्टेंस है एक ये रेजिस्टेंस है एक ये रेजिस्टेंस है लेकिन अगर नीचे आना हो मार्केट को तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट चल रहा है तो यहाँ से अगर नीचे आएगा मार्केट तो सीधे जो है बयालीस हज़ार आठ सौ तीस और उसके बाद बयालीस हज़ार का भी टारगेट हमको मिल सकता है तो चार्ट इंडिकेट कर रहा है हमको कि मार्केट जो है अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बायर्स जो है इंटरेस्टेड न होने की वजह से सेलर जो है मार्केट को फिर से जो है नीचे ढकेल दे रहे हैं पुट कॉल रेशियो को भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो क्या बोल रहा है अब ये देखिए बैंक निफ्टी का वीकली जो है पुट कॉल रेशियो है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे हमको कि पुट कॉल रेशियो में हमारा पुट कॉल रेशियो पॉइंट नाइन है देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ पॉइंट नाइन है पुट कॉल रेशियो ये भी क्या है वीकली वीकली पुट कॉल रेशियो पॉइंट नाइन है और अगर मंथली पे जाते हैं हम लोग तो मंथली पे भी पुट कॉल रेशियो वन है तो वन इन देंस ये, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से जितना कॉल सेल हुआ है उतना ही पुट भी सेल हुआ है तो ये वन मंथली और वीकली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी हमको एक साइडवेज जर्नी मिल सकती है और अगर साइडवेज जर्नी मिलती है साइडवेज ट्रेंड रहता है तो साइड के बाद अगर इस टाइप का होगा तो डेफिनेटली जो है डाउन साइड ही हमको मूवमेंट दिखेगा और अब देख लेते हैं निफ्टी का पुट कॉल रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है हमको निफ्टी का पुट कॉल रेशियो पॉइंट है वीकली पॉइंट सेवन ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी फिर से जो है डाउन आएगा इस वीक इस वीक जो है अपकमिंग वीक जो है इसमें डाउन रहेगा और मंथली अगर देखते हैं पुट कॉल रेशियो तो वन पॉइंट वन सो कर रहा है इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इस मंथ के फर्स्ट वीक में सेकेंड वीक में डाउन रहेगा उसके बाद जो है साउथ कुछ रिकवरी मिल सकती है मार्केट में तो इस तरीके से जो है इसमें भी जो है मार्केट 1.1 अगर पी है तो इसको भी हम साइडवे ही बोल सकते हैं इस पूरे इंटायरली मंथ में और अगर साइड रहेगा मार्केट तो साइड मार्केट के बाद सीधे जो है ये डाउन होने का की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसन